सभी को जय गोविंदा। साथियों, आज इस वीडियो में हम तिरुपति में जितने भी लोकल टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ पर आप किस तरीके से जा सकते हैं और वहाँ पर अगर सेवा करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सेवा बुक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, तिरुमाला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन लगभग 9 दिन तक चलता है और यह आयोजन इतना भव्य और रमणीय होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको वीडियो, फोटोज, ब्रह्मोत्सव के सभी दिनों के फोटो वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। तो आप हमें इन पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप ब्रह्मोत्सव के फ़ोटो वीडियो देख सकते हैं। साथियों, अपने सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको अपडेट्स के बारे में भी बताते रहते हैं। जो TTT द्वारा लेटेस्ट अपडेट्स जारी किए जाते हैं उनके बारे में हम इस तरीके से आपको बताते रहते हैं। तो हो सके तो आप हमें इन पर फॉलो कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता रहे। अब ये देखिए, ये यहाँ पर तिरुपति में लोकल टेम्पल्स हैं, इनके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे कि आप किस तरीके से इनमें सेवा बुक कर सकते हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जहाँ पर आपको दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो ये देखिए, तिरुपति में आसपास ही सारे टेम्पल्स हैं, मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको ये सारे टेम्पल कवर हो जाएंगे। ये देखिए, पहले श्री पद्मावती मंदिर, ये मंदिर तिरुपति से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुचुरनूर में ये मंदिर है, ये पद्मावती का मंदिर है। इस मंदिर में आप सेवा किस तरीके से बुक कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर है, ये मंदिर रेलवे स्टेशन से 500-700 मीटर की दूरी पर है। अगला मंदिर है श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर, ये मंदिर भी 500-700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देखिए, ये कुंड है, इस कुंड में पानी पहाड़ी से आता है। अगला मंदिर देखिए हम देखते हैं, ये कोंदड़ा रामा स्वामी मंदिर है, ये मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला मंदिर है, ये देखिए, श्री निवासम मंगापुरम मंदिर, ये मंदिर 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप इन मंदिर के बारे में देखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सेवा ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले श्रीवारी टेम्पल, ये तिरुमला वाला मंदिर है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो किसी भी सेवा का स्लॉट ओपन नहीं है। आप यहाँ से कोई भी श्रीवारी मंदिर में सेवा बुकिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल जो है तिरुचुरनूर में, उसकी सेवा आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेवा ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको श्री PAT तिरुचुरनूर, अब यहाँ पर देखेंगे आप अक्टूबर का स्लॉट ओपन है। यहाँ पर जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को आप देख लेंगे, उनकी टाइमिंग देख लेंगे कि क्या टाइमिंग है, इसके बाद आप यहाँ से सेवा बुक कर लेंगे। जिस सेवा में स्लॉट अवेलेबल हैं, देखिए, सुप्रभातम सेवा है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो स्लॉट अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो सुप्रभातम सेवा का जो चार्ज है वो 25 रुपये है, तो आप यहाँ से अपनी सेवा बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सारी सेवाओं के बारे में देख लेंगे, सुप्रभातम है, ब्रह्मोत्सवम है, कल्यवा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो चार्ज है 500 रुपये है और एक टिकट में 2 लोग अलाउड हैं। तो आप यहाँ से अपनी सेवा देख लेंगे, जो भी सेवा आप करना चाहते हैं उस सेवा की देख लेंगे, स्लॉट ओपन है या नहीं है। अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो आप अपनी सेवा बुक कर लेंगे। इसी तरीके से और भी जो मंदिर हैं, गोविंद राजा स्वामी टेम्पल है, कपिल तीर्थम है, इनकी भी सेवा आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो जो सेवा बुकिंग करनी है वो इसी तरीके से करनी है। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऑटो पकड़िए, उस ऑटो वाले से बात करिए, वो आपको आए तो वो भी अवेलेबल हैं। आप सेवा के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप सेवा बुक करिए और उसके माध्यम से आप दर्शन करेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। और जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, तिरुपति घूमना चाहते हैं, तो वे लोग